इस वक्त मैं मलाना में मौजूद हूं। मैं उस गांव से कुछ ही दूरी पर हूं जहां बादल फटा था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अभी यहां एकाएक अचानक से पूरी ये सड़क इस पे दरार आ गई है। हालांकि हमें रोक लिया गया, हम भागते हुए इस तरफ आए हैं और जिस तरीके की तस्वीर है हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और ऊपर से दो पेड़ अभी नीचे आए हैं। बताया जा रहा है कि नीचे से ये पूरी ज़मीन खिसक गई है, ये पूरा रास्ता। आप देखिए, बरसात के बाद जो हाल था उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ये हो गया। ये हमारे सामने हुआ है, अभी हुआ है, हमें आगे जाना था। अब कैसे जाएंगे, क्योंकि ये सड़क जो है नीचे धस चुकी है और ऊपर से ये पूरा बताया जा रहा है कि दो पेड़ नीचे आए हैं अभी और एकाएक कभी जा सकता है। हमें बार बार चेतावनी दी जा रही है, इसके नज़दीक ना जाएं, इससे पीछे आ जाइए। और जिस तरीके से लोग हैं जो वो उस तरफ रह गए हैं और हम इस तरफ हैं। फिलहाल हमें आगे जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। अब ये सड़क नीचे धसी है, NDRF को सूचना दे दी गई है, तमाम लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि आगे ना जाएं। जिन रास्तों से होकर हमें गुजरना था, रेस्क्यू टीम को जाना था, अब उन रास्तों की तस्वीर बदलती जा रही है। यानी मुश्किलात जो मुश्किलें हो रही हैं, अब हमें आगे जाना था लेकिन एकाएक ये दरार आ गई है। ये दरार ऊपर से आई है, पहाड़ से, और एकाएक पत्थर नीचे आया। अब ये देखिए, ज़मीन पूरी धस चुकी है। अगर ये रास्ता लोगों के लिए बनाया गया था, खोला गया था, लेकिन एकाएक अब ये नीचे धस चुका है और ये कभी भी पूरा एक कहा जा सकता है कि पूरा स्लाइड नीचे आ सकता है, पहाड़ का हिस्सा आ सकता है। ये दरार बढ़ती जा रही है और हमें चेतावनी दी गई है आगे नहीं जाना। ये दिखाने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जिस गांव में हादसा हुआ है, जो तस्वीर देखी गई है, जहां मुश्किलात में तमाम रेस्क्यू टीम ने लोगों को निकाला है, अभी भी वहाँ मदद पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ की जो मुश्किलें हैं वो यही हैं कि इस तरीके से बरसात के बाद, बादल फटने के बाद जो तस्वीरें बदली हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि चेतावनी दी गई है, लेकिन ये कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए और किसी और के लिए भी, कि एकाएक पूरी सड़क, पहाड़ का वो हिस्सा सरक चुका है और ये दरार आ गई है। यानी जिस जगह मैं खड़ा हूं ये खतरे से खाली नहीं है, ये पूरी सड़क अंदर से ये खाली हो चुकी है। यानी जिस जगह खड़े हैं तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर से पहाड़ नीचे आ सकता है, नीचे नदी है उसको झील बनाने की कोशिश कर सकता है। ये रोका गया है, लोगों को मना कर दिया आगे जाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता था, जोड़ता था, ये अब आगे नहीं जाएगा। यानी साफ तौर पे ये काफ़ी हैरान कर रही है तस्वीर। यहाँ पे लोग हैं, हमसे बात करते हैं, अब कितनी मुश्किलें आप लोगों को होंगी? मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं, अब जितना हम मुश्किलों को शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा और बढ़ती जा रही हैं। अभी अचानक अभी, से अभी हुआ है ये आए तो दरार तो पिछले तीन चार दिन से थी, परंतु ये अभी आज सुबह से जो है ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी अभी थोड़ा ये जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये दरार जो है यहाँ खाली यहाँ तक नहीं है, ये बहुत ऊपर तक है, कम से कम 50-60 मीटर ऊपर तक है, क्योंकि अभी एक पेड़ जो है गिरा है और ये कुछ पत्थर भी गिरे हैं, तो ये हो सकता है कि पूरा सेटलमेंट ऊपर से हो रहा हो। क्या माना जा सकता है कि ये ऊपर से नीचे आ सकता है? हाँ, पूरा पूरी 100% संभावना है कि ऊपर तक आएगा और ये इसकी लेंथ भी कम से कम 150-200 मीटर के आसपास है। ये पूरा नीचे जाएगा? हाँ, ये पूरा जाएगा। इसलिए ये छोटी नदी है, संभावना है कि अगर ज़्यादा पूरा स्लाइड में जाता है तो वो ब्लॉक होने की भी संभावना है, झील बनने की संभावना हो सकती है, हो सकती है। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है, क्या अपने वो कहें। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं वो हैरान इसलिए भी कर रही है क्योंकि एकाएक ये सब हुआ है, रेस्क्यू चल रहा है, उस दौरान ये जो पहाड़ का हिस्सा है ये दरार आ गई है। जिस तरीके से जितनी जगह ये बता रहे हैं काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, यानी रास्ता, कनेक्टिविटी जो जोड़ने की कोशिश हो रही थी वो एक बार फिर टूट जाएगी। यानी तस्वीर अभी भी नहीं बदली है, वक्त अभी भी लगेगा, रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है और अब मुश्किलें जो हैं उस टीम के लिए, उस प्रशासन के लिए जिसे इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम तक देना था। बेहद ही मुश्किल भरे रास्ते हैं क्योंकि एक रास्ता जो कटा हुआ है वहाँ से जो पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, हमें रास्ता बताया गया है कि ऐसे रास्ते जो बनाए गए हैं इन रास्तों से जाना है। और जहाँ बादल फटा है, जहाँ रेस्क्यू टीम पहुँची हुई है, वहाँ पहुँचना रेस्क्यू टीम के लिए जितना मुश्किल है उतना हम लोगों को वहाँ आगे जाना मुश्किल है। मैं लगातार एक कोशिश कर रहा हूँ चढ़ने की और इसी रास्ते से ऊपर से होते हुए हमें उस जगह जाना है जहाँ उसका हिस्सा है पहाड़ का, उस रास्ते को तोड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमें रास्ता बनाते हुए जैसे लोग जा रहे हैं, गांव के लोग इनके साथ, ये हमारे साथ जाएंगे और उस तरफ जाएंगे, यानी जहाँ बादल फटा है। रेस्क्यू टीम को कितनी मुश्किलें आ रही है मैं वो दिखाना चाह रहा था, उसी रास्तों से होके हम गुजर रहे हैं। ये देखिए, जैसे हम इन रास्तों से आए हैं, ये रास्तों से घर जा रहे हैं। आप लोग क्या क्या कहाँ जाना है आप लोगों ने? हमने बरनाली जाना जी। अच्छा, फिर कैसे जाएंगे आप? अब क्या करें, ऐसे जाएंगे, अब जंगल के रास्ते होके और कैसे जाना। ये देखिए, जैसे ये लोग हैं इन्हीं के साथ हमें भी आगे जाना है। मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि अगर वो दिखा पाए, थोड़ी सी कोशिश करें,
तो आके ये तस्वीर दिखाए कि कितना दुर्गम ये रास्ता है। तबाही के इस मंजर में जो रास्ते बनते हैं वो लोग बनाते हैं, रेस्क्यू टीम बनाती है, और वो रास्ते कितने खतरनाक हैं वो दिखाई देता है। कैमरा पर्सन धीरज ठाकुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, मुलाना, उत्तरकाशी।